ओके, हमारी जर्नी शुरू हुई थी इंदौर से, क्योंकि टास्कर्स की फिलॉसफी है हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले रखते हैं। अगर आपको एम्प्लॉयज़ को पहले रखना है तो आपको जॉब्स वहाँ लेकर जानी है जहाँ पर टैलेंट है, और इंडिया में हम सब जानते हैं कि टीयर टू सिटीज़ में कितना टैलेंट है। सो वहाँ से हमने 2.5 साल पहले जब शुरू किया था, और आज वो हमारी सबसे बड़ी साइट है 5,000 लोगों के साथ। फिर देन हमारे पास रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सारी थी, दैट हमें टैलेंट पूल चाहिए था जिनकी फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन दे नो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। सो वो सारी चीज़ें देखते हुए गुरुग्राम से बेटर मार्केट हम लोगों को नहीं लगा। दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि हमें गुरुग्राम में शुरू करना चाहिए। लास्ट ईयर इज जब हमारा सारा प्रोसेस शुरू हुआ। सो आपने पूछा कि किस तरह का काम है जो हम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज मेनली हमारा फोटे है जहाँ पर, और मोस्ट ऑफ आर क्लाइंट्स सोशल मीडिया, फूड डिलीवरी ऐप, यू नो वी डू अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट मॉडरेशन वर्क ऑल्सो। सो दैट्स द काइंड ऑफ लोगों को आपने रोजगार दिया है यहाँ पर अभी तक? आप गुरुग्राम की बात कर रहे हैं? गुरुग्राम में अभी तक हमारे पास तकरीबन 1,000 लोग हैं जो कि अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि अब एम्प्लॉयज़ को, नाउ दैट हमारे पास साइट है, साइट लॉन्च हो रही है, धीरे धीरे लेकर आएंगे, लेकिन हम लोग हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं कि इस चीज़ को फेजेस में करें, न कि एक बार में सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर आएँ ऑफिस में। क्या मानते हैं गुड़गांव जैसे शहर में आपको कितना ये जो डिजिटल सेवा है इसका कितना लाभ मिल सकता है? टैलेंट की गुड़गांव में कोई कमी नहीं है, ये सब हम सब जानते हैं, राइट। हाँ, अपने सिटी के खुद चैलेंजेस हैं, ट्रैफिक जैम्स, वेदर एट्सेट्रा, उन सब से हम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो मॉडल है, इट इज़ सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़ हर मैनर में ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट लॉन्ग टर्म में हमारी स्ट्रैटेजी नॉन मेट्रो सिटीज़ होगी। कितनी कंट्री में अभी तक ये टास्क का हम लोग 10 देशों में हैं अभी तक।